कैसा रहा आज का मार्केट? सो कल भी मार्केट डाउन था, आज भी ब्रॉडर लेवल पे मार्केट आज डाउन है। मतलब लार्ज कैप इंडाइसेस की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, या फिर मिड कैप इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सब जगह पे यहाँ पे हमने डाउनफॉल आज देखा है। बट स्मॉल कैप ये जो इंडेक्स है, सरप्राइजिंगली स्मॉल कैप 250, मतलब जो 250 फर्स्ट रैंक से लेके 500 रैंक तक के जो स्टॉक्स है, उनका जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज अप बाय 0.43%। तो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स आज अच्छा था, यही यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। ओवरऑल आई थिंक दो दिनों से मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। सो ग्लोबल मार्केट्स ही डाउन है, एंड दैट कपलिंग इफेक्ट, मतलब जो ग्लोबल मार्केट्स में होता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे होगा ही होगा। भले ही कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा कम होगा, बट इम्पैक्ट तो है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो ग्लोबल मार्केट का ही आज हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट देखा है। कल US मार्केट्स भी डाउन थे, फ्रॉम 0.18% टू 1.1% तक सारे इंडाइसेस डाउन थे। स्पेसिफिकली डाउ जोन्स डाउन था, इट वॉज नॉट ओनली नैसडैक बट डाउ जोन्स भी डाउन था। सो इट मीन्स ब्रॉडर लेवल पे US मार्केट्स वर डाउन। ऐसा क्या कंसर्न लग रहा है US को सबसे बड़ा? आई थिंक जो फेडरल रिजर्व के की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट घटाने की जो बातें चल रही थी, या फिर वो पॉज बटन दबाया जाएगा, उसके बाद रेट कट्स भी हो सकते हैं, तो वो डिस्कशंस थोड़े से बाजू में रह गए। एंड नाउ द डिस्कशंस हैव स्टार्टेड अबाउट डेट सीलिंग, क्या US डिफॉल्ट करेगा अपनी डेट पे, यही सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट को लग रहा है। और वो अगर होगा तो जेनेट येलन ने बताया है कि भाई उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे स्पेसिफिकली, एंड दैट इज द मेन रीजन। और ये जब बातें चल रही है तो और उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है यील्ड्स पे हो रहा है, 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं US के, सो दैट यील्ड वेंट अप टू 3.53%। तो ऑब्वियसली जब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की यील्ड्स ऊपर जाएंगे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे होगा, एंड दैट्स वॉट वी आर सीइंग विटनेसिंग करंटली। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में अगर हम बात करनी है, तो आज अंबर एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स पे की वजह से जो स्टॉक ऊपर है, ऑलमोस्ट 15% तक ये स्टॉक ऊपर था, आज 17-18% तक ऊपर गया था, बट अल्टीमेटली 14-15% के बीच में ये सेटल डाउन हो गया। तो ऐसा क्या हो गया? सो आई थिंक ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो 82% की है, रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 38% की है, एबिटा की जो ग्रोथ है वो भी 54% की है, यानी कि एबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुए हैं। बेस्ट एवर क्वार्टर अंबर एंटरप्राइजेस ने आज ये इस बार दिखाया है। सो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे हमें नज़र आ रहा है। We have seen good amount of correction in Amber Enterprises, मतलब ये 3,500-4,000 के ऊपर ये स्टॉक गया था, वहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हमने इस स्टॉक में देखा है, मोर देन 50-60% डाउनफॉल हमने देखा था। डाउनफॉल क्यों हुआ था? जो क्रेजी valuations इन स्टॉक्स को दिए गए थे, Amber Enterprises हो या फिर Dixon Tech हो, तो जो valuations मिले थे वो सस्टेनेबल नहीं थे, बट मार्केट में यूफोरिया क्रिएट किया गया था, एंड दैट्स वाई दे हैव गॉट सच ह्यूज प्रीमियम या फिर ओवर वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं। अब जब ग्रोथ के नंबर्स उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई कंपनी, सो उसका एक इम्पैक्ट बहुत ही निगेटिव हुआ। प्लस इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े बड़े ब्रांड्स, कंज्यूमर ब्रांड्स होते हैं, सो ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर जो है वो इनके कस्टमर्स के पास ज़्यादा है कंपेयर टू इनके पास, तो वो भी एक रीज़न है। अभी थैंक्स टू द रॉ मटेरियल प्राइसेस गोइंग डाउन एंड ऑपरेटिंग लिवरेज प्लेइंग आउट रियली वेल, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। ईयर ऑन ईयर कैन दे डिलीवर सच काइंड ऑफ हाई ग्रोथ रेट्स? आई सीरियसली डाउट, एंड दैट्स वाई प्रीमियम वैल्यूएशंस विल नॉट बी जस्टिफाइड। वैल्यूएशन बिटवीन 25-35 पी रेशो कुड बी रीजनेबल, बट अभी भी ये स्टॉक उसके काफ़ी ऊपर है। लेट्स सी अगर ऐसे ही ये क्वार्टर्स और ज़्यादा दे पाएगा, सो देन वहाँ थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफ़ी अच्छे लगेंगे, एंड वैल्यूएशन में रैशनलाइजेशन आ सकता है ऐसा लगता है। सो देखते हैं कंपनी का जो इस बार का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो है, परसेंटेज है, दैट इज एट 15%। लास्ट ईयर जो सेम क्वार्टर में जो ROCE का नंबर था, दैट वाज एट 11%। सो 11% टू 15% तक का, मतलब 400 बेसिस पॉइंट्स का ROCE का इंप्रूवमेंट यहां पे हमने देखा है। एंड कंपनी का जो टारगेट है ROCE पे, दैट इज एट 19% टू 21% इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ऑब्वियसली एम्बिशियस टारगेट्स है, बट कैन कंपनी डिलीवर? अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे तो आई थिंक कंपनी विल बी एबल टू डिलीवर दीज मार्जिन्स, ऐसा मार्जिन्स एंड ROCE रिटर्न रेशियोज ऐसा लगता है। सो लेट्स सी क्या होता है। आज
52 वीक हाई लेवल पे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। सो इंटरग्लोब एविएशन आज 52 वीक हाई लेवल पे गया है, किसी की बुरी न्यूज किसी के लिए पॉजिटिव साबित होती हुई दिख रही है। गो फर्स्ट का बैंक्रप्सी फाइल करना, गो फर्स्ट का मार्केट शेयर गेन करना दूसरे प्लेयर्स ने, जिसमें ऑब्वियसली जो मार्केट लीडर है वो सबसे ज्यादा वहां पे बेनिफिट्स उठाएगा। सो वही एक रीजन लग रहा है, वही एक रीजन जहां पे समझ में आया है कि आज स्टॉक प्राइस या फिर रिसेंट पास्ट में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के प्राइस को मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कंटिन्यूअस अप ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। बाकी अगर फाइनेंशियली इस कंपनी को देखा जाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड है इन दिस इंडस्ट्री। आई एम नॉट सीइंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स बट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और कल जो पीएसयू बैंक के कुछ हेड्स की तरफ से जो रिएक्शंस आए फॉर गो फर्स्ट, तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि जो अच्छी कंपनीज है, फाइनेंशियली वेल मैनेज्ड कंपनीज है, तो उनको इस सेक्टर में हम एलोकेशन दे सकते हैं, लोन्स वगैरह दे सकते हैं, लेंडिंग में उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली वो भी एक मार्केट ने वो न्यूज को पॉजिटिवली यहाँ पे लिया है, एंड वो भी एक रीजन हो सकता है कि आज स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर है, 52 वीक हाई लेवल पे ये टच कर चुकी है। अब एक न्यूज है अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस लगाए थे हिंडनबर्ग ने, तो उसके लिए बहुत सारे पार्टीज जो है वो उन्होंने मिलके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक लिमिट दी थी कि इतने समय में आपने एक प्रोब करना चाहिए सेबी को। उस प्रोब में सेबी ने बोला कि इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, हमें 6 महीने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 6 महीने तो नहीं दे सकते, बट अगस्त 14th तक इस साल के वो रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। सो लेट्स सी उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती है। वैसे आज कुछ कुछ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुए हैं, बट अदर स्टॉक्स जो बड़े स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के, जैसे कि जो इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। सो देवर इन पॉजिटिव टेरिटरी, या फिर फॉल भी उनका कम था। सो एक रिपोर्ट भी हमने देखी थी कि कैसे म्यूचुअल फंड्स ने एक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को, स्पेसिफिकली जो थोड़े रीजनेबली वैल्यूड लग रहे हैं, उन स्टॉक्स में एलोकेशंस लेना थोड़ा सा शुरू किया है, वहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव उनको नजर आ रहा है। लेट्स सी क्या क्या आगे जाके इसमें से फाइंडिंग्स निकलती है। सो आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। द वे स्टॉक प्राइसेस वेंट अप फॉर अडानी ग्रुप, ऑब्वियसली वो सस्टेनेबल नहीं लग रहे थे। एक एक साल में, डेढ़ डेढ़ साल में अगर 1000-1000% के रिटर्न्स कहीं पे आते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं हो सकते। वर्स्ट पार्ट यही होता है इसमें कि बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जाके इन चीज़ों में फंस जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जिस तरीके से रैलीज होती है स्टॉक्स में वो देखना, उसके बाद क्या अर्निंग्स उसको जस्टिफाई कर रही है देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ एक वन वे डायरेक्शन दिख रही है, एक पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हेन रिटेल इन्वेस्टर उस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वो बिल्कुल आप लोगों ने नहीं फंसना चाहिए। बाकी ओवरऑल आज लार्ज कैप में HAL हो, इंटरग्लोब हो या फिर IOC हो, ये तीन स्टॉक्स 52 वीक हाई लेवल पे गए थे। HAL रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे, बट ओवरऑल डिफेंस पे जो फोकस लग रहा है, जो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जो फोकस किया जा रहा है, सो आई थिंक दैट इज प्लेइंग आउट रियली वेल फॉर दिस कंपनी। IOC के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, 10,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता हुआ हमें दिख रहा है। सो उसी का इंपैक्ट है कि IOCL भी आज 52 वीक हाई लेवल पे गया है। मिड कैप्स में 52 वीक हाई लेवल पे जो चर्चा में स्टॉक है वो है मैक्स हेल्थ केयर। रीजन बिहाइंड दैट आई थिंक जो MSCI इंडेक्स में जो एंट्री मिलने वाली है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो उसके पहले एक्टिवली मैनेज फंड्स जो होते हैं जो इन इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ एलोकेशन इन दिस स्टॉक, एंड दैट्स व्हाई 52 वीक हाई लेवल पे ये स्टॉक भी यहाँ पे जा चुका है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investyadnya.in को विजिट कीजिए, और यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। उसके साथ आपको एक फ्री लर्निंग कोर्स भी मिल जाएगा ऑन स्टॉक मार्केट, सो वो भी उसका भी लाभ आप उठा सकते हो। तो investyadnya.in को विजिट कीजिए एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में कुछ हेल्प चाहिए, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। यू कैन बुक इवन 1-on-1 सेशंस ऑल्सो विद दस, वो भी डिटेल्स आपको हमारे रिलेशनशिप सेल दे देगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।